राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में ड्यूटी के लिए आए बीकानेर के कई पुलिसकर्मियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की। घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार अलवर शहर के एनईबी पुलिस थाना अंतर्गत अंबेडकर नगर स्थित सामुदायिक भवन में रुके हुए 65 पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। रात करीब 9 बजे एक पुलिसकर्मी खाना लेने गया था, तभी सामुदायिक भवन के समीप ई रिक्शे वाले से एक युवक का झगड़ा करता हुआ मिला। पुलिसकर्मी ने उसे बचाने की कोशिश की तो युवक पुलिस से ही बहस करने लगा। इस पर युवक अपने साथ करीब 40-50 लोगों को लेकर आया था। सभी के हाथों में लाठियां सहित अन्य हथियार थे। उन्होंने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा सामुदायिक भवन में जमकर तोड़फोड़ की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे। आरोपी की तलाश में दबिश देने आई पुलिस पर पथराव, एक पुलिसकर्मी घायल, आरोपी फरार। पुलिस ने बताया कि युवक इसी थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है। उसका नाम मुवीन उर्फ लंगड़ा निवासी बेला का है। इस वारदात के बाद पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद सामुदायिक भवन में ठहरे सभी 65 पुलिसकर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाद में उनको एक होटल में भेजा गया। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हेड कांस्टेबल बीकानेर निवासी मोहम्मद यूनुस को जयपुर रेफर किया गया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। इस संबंध में बीकानेर जिले में तैनात और भरतपुर के डीग निवासी हरिंदर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है।